हाय दोस्तों, कैसे हो? जरूर ठीक होगे। छोटा छोटा अमरूद है, वो पकने लग गया। मैं अभी जिसका वीडियो बना रहा था और जो पीछे देख रहे हैं, जो डाल देख रहे हैं, ये अमरूद की है। तो छोटा छोटा अमरूद क्यों पकने लग गया, तो मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। पहले आपको दिखा दूँ, एक अमरूद तोड़ के तो यहाँ पे ये लग रखा है एक छोटा सा अमरूद, और ये शायद पक भी गया है। मैंने थोड़ा सा इसको इशारा दिया और ये टूट गया ना, हाथ में ही आ गया। अब मैं देखो इसे मसल दूंगा तो ये फूट चुका है पक के। थोड़ा यहाँ पे ब्लर हो रहा ना, इसलिए थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए एकदम बिल्कुल पक चुका है ये। मीठा तो बहुत है, तो मैं आपको बता दूं ये क्यों पक रहा है छोटे छोटे अमरूद, क्या वजह है। तो क्या है कि ये जो अभी अमरूद लग गए ना अमरूद के पेड़ में, तो ये गर्मियों के सीजन के अमरूद है, वो अमरूदों में लग गए हैं। और ये छोटे छोटे इसलिए रह गए क्योंकि गर्मियों में इनको ना पानी नहीं मिलता। तो क्या है कि ये इनका फल है ना, वो बड़ा नहीं हो पाता है, और यही कारण है कि ये छोटे छोटे ना पकना शुरू हो जाते हैं। तो अब ना बारिश शुरू हो गया है, बारिश का टाइम आ रहा है, तो अब शायद कुछ अमरूद के फल अब बड़ा होना शुरू होंगे, और जो छोटे छोटे हैं ना तो ये बड़े होके पकने लगेंगे। तो यही वजह है, यही कारण है इन अमरूदों का। तो आज के इस वीडियो में आपसे को यही बताना था कि अमरूद में जो इस टाइम पे अमरूद लग रहे हैं, वो बहुत छोटा छोटा होके पकने लग गया। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाल को हिलाया था तो ये अमरूद गिरा, यहाँ पे ये आ गया। इसे भी मसल दूंगा तो ये भी ना फूट जाएगा। ओ यहाँ पे चूजा आ गया, तीतर। मीठे तो बहुत हैं, ये तीतर के बच्चे हमने पाल रखे हैं, इसलिए आप ना इनको देख पा रहे हो कैमरे में, नहीं तो ये तो कहीं वीरान जगह झाड़ियों में ही देखने को मिलते हैं।